रेलवे में नौकरी के लिए जमीन लेने के चर्चित लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी ने एक बार फिर समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को दफ्तर बुलाया गया है। अगले साल 5 जनवरी को उन्हें कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा गया है। इससे पहले उन्हें 22 दिसंबर को बुलाया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। उनके पिता लालू यादव को भी 27 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से समन भेजकर 27 दिसंबर को बुलाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को लैंड फॉर जॉब केस की जांच कर रही एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने तेजस्वी यादव को फ्रेश समन जारी किया है। उनसे कहा गया है कि 5 जनवरी को दिल्ली स्थित ईडी के मुख्यालय में उपस्थित होकर पूछताछ में सहयोग करें। जांच एजेंसी डिप्टी सीएम से 2004 से 2009 के बीच रेलवे में कई लोगों को जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में पूछताछ करेगी। ये मामला तब का है जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप लगाया गया है कि लालू यादव ने नियम कानून को ताक पर रखकर रेलवे के ग्रुप डी में कई लोगों को नौकरी दी और इसके बदले परिवार के सदस्यों के नाम जमीन और अन्य संपत्तियां हासिल की। इस कांड में लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू यादव की बेटी मीसा भारती समेत परिवार के कई सदस्य अभियुक्त हैं। जांच एजेंसी द्वारा इन सब से कई दौर की पूछताछ की जा चुकी है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय इस चर्चित घोटाला कांड की जांच कर रही है। इस मामले में तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर को ईडी में पेश होना था, लेकिन वे नहीं गए। वकील के माध्यम से उन्होंने टाइम ले लिया था। इस मामले में तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब लोकसभा चुनाव को लेकर चल रहा है, अब तो रूटीन वर्क हो गया है। पहले भी पूछताछ में कुछ नहीं निकला, इस बार भी कुछ नहीं होगा।